Hello everyone, welcome in history class. Well, today we are going to start the new chapter, chapter number 4, economic development. Then now listen carefully. We are going to study India's economic policy in this chapter that include a study of the mixed economy, 5-year plans and their successes and failures, nationalization of banks, 20-point programs, mill workers, strike and especially the new economic policy of 1991. तो इस लेसन के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें हम जानकारी लेंगे मिक्स इकोनॉमी के बारे में, 5-year प्लान्स के बारे में, उसके साथ साथ जो सक्सेसेस और फेल्यूअर्स हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, 20-point प्रोग्राम, मिल वर्कर स्ट्राइक, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लेने वाले हैं और जो 1991 की न्यू पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मिक्स इकोनॉमी. देन आउ लिसन केयरफुली. ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी शुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. अवर Prime Minister Pandit Nehru adopted the middle path rather than taking recourse to any extremes. Some countries had adopted capitalism while some had adopted socialism. Each type of economy had its own advantages. तो हमारी कंट्री को, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही इस बात के ऊपर बहुत बड़ा विचार मंथन यानी बहुत ज़्यादा थिंकिंग वहाँ पे हुई थी कि किस तरह की इकोनॉमी हमारी कंट्री की होगी. तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक मिडल पाथ को अपनाया, ना कि कोई एक्सट्रीम रिस्क लेना उन्होंने सोचा. सम जो कुछ कंट्रीज थी, कुछ कंट्रीज जो थी उन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया तो कुछ कंट्रीज ने सोशलिज्म को अपनाया, लेकिन हर एक टाइप की जो इकोनॉमी है उसके अपने खुद के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन. इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ द सोसाइटी. द मिक्स इकोनॉमी वर्क्स बोथ इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ modern India, we gave preference to a model of mixed economy. We can see three parts in this kind of economy. तो जो capitalist system है उसमें जो means of production है वो privately वहाँ पर own होता है, मतलब जो businessman है, private businessman, वो इन means of production को या production के जो goods है उन्हें प्रोड्यूस करते हैं. तो जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट या सोसाइटी के नाम के ऊपर वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और मिक्स इकोनॉमी के अंदर दोनों तरह की इकोनॉमी वहाँ पे बताई जाती है, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेसमैन है वो भी प्रोडक्शन करते हैं और कुछ प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे होता है. We gave preference to a model of mixed economy. तो इस mixed economy को इंडिया ने यानी हमने प्रिफ्रेंस दिया हुआ है और इसके थ्री पार्ट्स वहाँ पे देखे जाते हैं. वो थ्री पार्ट्स कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पब्लिक सेक्टर. द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर कंप्लीटली अंडर द control and management of the government. For example, production of defense equipment. तो जिसमें public sector क्या है, जिसमें जो भी सारी industries हैं वो completely government के under में वहाँ पर होती है, मतलब government का पूरा control और management उन industries के ऊपर होता है. जिसका example हम बता सकते हैं कि जो defense equipments हैं, मतलब वॉर के वक्त लगने वाले जो वेपन्स वगैरह हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के अंडर में, मैनेजमेंट में वहाँ पे होता है.
जो पब्लिक सेक्टर में आता है। नाउ द प्राइवेट सेक्टर इज देयर, द इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट सुपरवाइज एंड कंट्रोल देम टू, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेसमैन है वो प्राइवेटली जो प्रोडक्शन है उसे निकालते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट बिजनेसमैन की वहाँ पे होती हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पूरी तरह से वहाँ पे सुपरवाइज करता है और उस कंट्रीज उस उन इंडस्ट्रीज के ऊपर कंट्रोल भी करता है, जिसका एग्जांपल हम बता सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, यानी जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए लगने वाली जो भी चीज़ें हैं, गुड्स है उनका प्रोडक्शन। नाउ जॉइंट सेक्टर, इन दिस सेक्टर सम इंडस्ट्रीज आर ओन बाय प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाइल सम आर रन अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट। तो इस मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, यानी जॉइंट सेक्टर में क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो मतलब प्रोडक्शन होती है वो होती है, और कुछ प्रोडक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंडर वहाँ पे चलता है। तो ये जॉइंट सेक्टर वहाँ पे हम बता सकते हैं। फॉर मिक्स इकोनॉमी टू रन स्मूथली देर इज अ नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये जो मिक्स इकोनॉमी है वो स्मूथली चलने के लिए वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस सिस्टम एम एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये जो मिक्स इकोनॉमी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालना ये एम होता है, वो ध्येय होता है, और जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हो, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ये वहाँ पे देखा जाता है। एन एफर्ट हैज़ बीन मेड इन दिस सिस्टम इज ब्रिंग टुगेदर टू गुड्स एस्पेक्ट ऑफ बोथ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। तो इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों सिस्टम के लिए, मतलब जो दोनों सिस्टम हैं उनके एस्पेक्ट यहाँ पे देखे जाते हैं, दोनों के दोनों मतलब जो रूल्स हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के, वो मिक्स इकोनॉमी में यूज़ किए जाते हैं। अब मिक्स इकोनॉमी कैनॉट इग्नोर द प्रॉफिट मोटिव इंटरप्रिटेशनशिप डिसिप्लिन टाइम बाउंड प्लानिंग एक्सेट्रा। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर इन चीज़ों को कभी भी मतलब इग्नोर नहीं किया जाता, कौन सी चीज़ों को, जो प्रॉफिट मोटिव होता है उसे, उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे, मतलब जो बिजनेस है उसे वहाँ पे देखा जाता है, उसके बाद डिसिप्लिन को देखा जाता है, और टाइम बॉन्ड प्लानिंग, ये सारी चीज़ों को महत्व दिया जाता है, इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। अब मिक्स इकोनॉमी ऑल्सो नेचुरली टेंड टू गिव प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट। तो मिक्स इकोनॉमी में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ही सोचा जाता है, मतलब कंट्री के वेलफेयर के बारे में, कंट्री का अच्छा कौन सी चीज़ों में है वो मिक्स इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विथ प्रायोरिटी। दिस इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस देन साइंटिफिक रिसर्च एजुकेशन रोड रेलवेज वाटरवेज सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट बट द रिटर्न इन दिस एरिया आर डिलेड। नॉट मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर कीन टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। इन सच अ सिचुएशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। तो ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के होते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट वहाँ पे करना पड़ता है, और जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो बहुत ही देरी से और धीरे धीरे से वहाँ पे मिलता है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है, वो इस तरह के बिजनेस को नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो डिफेंस साइंटिफिक रिसर्च है वो एजुकेशन रोड रेलवेज वाटरवेज सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं करते।
तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहाँ पे आगे आकर इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। दस, इंडिया एडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी मॉडल एंड 5 ईयर प्लान एंड स्टार्टेड ऑफ ऑन इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1973 इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। तो हालांकि इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी वहाँ पे अपनाई हुई है और जो इकोनॉमिक मॉडल है वो मिक्स इकोनॉमी का है, उसके साथ साथ 5 ईयर प्लान भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्टार्ट किया है ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट हो। साथ साथ में 1973 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया ने अपनाई ताकि इंडस्ट्रीज के बारे में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट की स्पीड वहाँ पे बढ़े। प्रायोरिटी वॉज गिवन इन दिस पॉलिसी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्रीज एंड रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। तो जो इंडिया की इकोनॉमी है, गवर्नमेंट जो है वो इन बातों का भी ध्यान वहाँ पे रखते हैं कि जो हेवी इंडस्ट्रीज की जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं और जो रीजनल डेवलपमेंट का अगर कोई इम्बैलेंस हो रहा है तो जिसके बारे में भी गवर्नमेंट को वहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की इंडस्ट्रीज में अपना इंटरफियरेंस वहाँ पे दिखाते हैं। द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो गवर्नमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरफ भी फोकस वहाँ पे रखती है कि उनकी भी डेवलपमेंट वहाँ पे हो, छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट उनकी तरफ फोकस रखती है, उनकी तरफ ध्यान देते हैं और उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए आगे आती हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। अब गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर की तरफ भी अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज 5 ईयर प्लान्स विच वी विल बी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।